हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 3, जो आपकी ऑक्सफोर्ड एडवांटेज बुक है आपकी इंग्लिश की, उसके स्टूडेंट्स बुक की चैप्टर 3 के आज हम क्वेश्चन आंसर्स एंड जो न्यू वर्ड्स हैं वो करेंगे. सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्नेक बोट रेसेस ऑफ केरल. जो केरला के स्नेक बोट रेसेस हैं उनके ऊपर ये चैप्टर है बेटा. तो इसमें जो चैप्टर में आपने अगर जब रीड किया था तो उसमें आपने क्या क्या पढ़ा था कि कैसे जो स्नेक बोट रेसेस हैं 400 ईयर्स पहले स्टार्ट हुई थी, जब एक ब्राह्मण अपनी पूजा करने के बाद वो क्या कर रहा था, अपनी सेरेमनी को कंप्लीट करने के लिए वेट कर रहा था, जिसमें कि उसे एक पुअर मैन की नीड थी जिसको वो ऑफरिंग्स दे सके, मतलब कुछ दान दे सके और मतलब उसको भोजन करवा सके. तो फिर तभी जब वो आँख बंद करके भगवान कृष्ण का ध्यान देता है तभी उसको अचानक से एक वहाँ पे एक जो पुअर बॉय है वो दिखाई देता है, और जो पुअर बॉय है वो फटे हुए कपड़ों में होता है. तो वो ब्राह्मण उसको जैसे नहाने के बाद उसको भोजन परोसता है और उसको कपड़े देता है पहनने के लिए, जो न्यू कपड़े वो देता है. जैसे ही वो लड़का खाना खाता है और वो डिसअपेयर हो जाता है, ये देख के ब्राह्मण बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं. फिर वो बहुत घूमते हैं, उनको ढूंढते हैं, तभी उन्हें एक दिन अरनमुला टेम्पल में वो लड़का फिर से दिखाई देता है. और जैसे ही ब्राह्मण उनको देखते हैं तभी वो लड़का फिर से गायब हो जाता है. तब ब्राह्मण को भरोसा हो जाता है कि ये खुद भगवान है. और इसी तरीके से फिर वो जो ओनम फेस्टिवल होता है, जैसे नॉर्थ इंडिया में बैसाखी मनाया जाता है ऐसे ही साउथ इंडिया में ओनम मनाया जाता है, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसमें कि फसल कटने के बाद लोग अपनी खुशियां मनाते हैं. तो ओनम फेस्टिवल पे वो क्या करने लगा, लोगों को जैसे फूड भेजना शुरू कर दिया उसने, जो उसमें बोट में स्नेक बोट्स में फूड भेजना स्टार्ट कर दिया. और इस तरीके से धीरे धीरे ये ट्रेडिशन बन गया और ये स्नेक बोट रेस स्टार्ट हुई थी. फिर इससे रिलेटेड कुछ और स्टोरीज़ भी बताई गई हैं कि जो स्नेक बोट रेस है इसका दूसरा नाम वलम कली भी है और केरल का सबसे मोस्ट एक्साइटिंग इवेंट माना जाता है. यहाँ पे लोग हर साल आते हैं ये सब रेसेस देखने के लिए और मोस्टली अगस्त से लेके सितंबर के टाइमिंग में आते हैं. अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है कि जो ये बोट रेस है इसका नेम नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कैसे पड़ा. तो उसके ऊपर एक स्टोरी है कि जो पुनमरा लेक है वहाँ पे अगस्त में हर साल ये जो रेस है वो होती है. तो जो फर्स्ट टाइम ये जो लेक है फर्स्ट टाइम जो रेस है ये एलएपी में शुरू हुई थी प्राइम मिनिस्टर के ऑनर में, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे. और वहाँ पे जिस टाइम की स्टोरी बताई जा रही है उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे. तो जवाहरलाल नेहरू जी के सम्मान में एक रेस ऑर्गेनाइज की गई एलएपी में, और उस रेस में जो विनर हुआ तो जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो इतने मतलब इम्प्रेस हुए थे इनके काम से कि कैसे ये टीम वर्क में उस रेस को मतलब जो विनर्स है कैसे टीम रेस कर रहे हैं, टीम वर्क है उनका. तो उससे इम्प्रेस होके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विनर्स को एक ट्रॉफी दे दी. और उस ट्रॉफी देने के बाद से ही ये जो वर्क था, जो ये रेसेस थी, इसका नाम क्या पड़ गया, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस. ठीक है तो बेटा देखो, अब आपने जो समरी है इस चैप्टर की समरी भी थोड़ी बहुत कर ली, बाकी लाइन टू लाइन जो मीनिंग है उसके लिए आप इसकी जो वीडियो है चैप्टर की वो देख लेना. ठीक है, अभी हम जो इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं वो करते हैं, प्लस जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे. तो बेटा देखो, सबसे पहला जो न्यू वर्ड है वो रैग्स. रैग्स का मतलब क्या होता है, पुराने और फटे हुए कपड़ों को हम क्या कहते हैं, रैग्स. तो आप क्या बोलेंगे, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, पुराने और फटे हुए, ओल्ड पुराने, टॉर्न मतलब फटे हुए कपड़े, उनको हम कहेंगे रैग्स. नेक्स्ट वर्ड इज लैविश. लैविश का मतलब क्या होता है, ग्रैंड, विशालकाय, बहुत ज़्यादा बड़ा. ठीक है, तो जैसे कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने उस गरीब बच्चे को अच्छा खाना खिलाया था, तो उसने क्या कहा कि ही ऑफर्ड हिम लैविश मील, कि काफी अच्छा खाना उनको दिया था. तो यहाँ पे लैविश का मतलब क्या हो गया, काफी अच्छा, ग्रैंड, विशाल. देन स्टन, स्टन का मतलब क्या होता है, शॉक्ड, कि आश्चर्यचकित हो जाना, स्टन का मतलब शॉक्ड, आश्चर्यचकित होना. देन ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, सम्मान में. तो आप क्या बोलोगे, टू शो ग्रेट रिस्पेक्ट टू समवन, किसी का आदर सम्मान करना, तो आपका क्या कहलाता है, ऑनर. नेक्स्ट वर्ड इज रिपेयर्ड. रिपेयर्ड का मतलब क्या होता है, टू फिक्स अ ब्रोकन थिंग, कि किसी टूटी हुई चीज को ठीक करना, क्या कहलाता है आपका, रिपेयर्ड. तो बेटा ये तो हो गए आपके कीवर्ड्स, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स. अब हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्नेक बोट रेस बिगिन इन केरला, कि जो स्नेक बोट रेस है वो केरल में कैसे शुरू हुआ था. तो अभी जब मैं आपको समरी बता रही थी तो उस टाइमिंग में मैंने आपको बताया था कि जो स्नेक बोट रेसेस हैं वो आपके कब स्टार्ट हुए थे, जब एक ब्राह्मण ने लॉर्ड कृष्ण के सम्मान में, भगवान कृष्ण के सम्मान में ओनम जो त्यौहार था उस टाइमिंग में स्नेक बोट्स में खाना मंदिर में भेजना स्टार्ट किया. तो तब से ये स्नेक बोट रेस स्टार्ट हुई थी. तो अब आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इट बिगेन आफ्टर अ ब्राह्मण स्टार्टेड सेंडिंग फूड इन स्नेक बोट्स टू अ टेम्पल ड्यूरिंग ओनम टू ऑनर लॉर्ड कृष्ण. अब मैं इसको वन बाय वन वर्ड बाय वर्ड मीनिंग करवाती हूं, तो आप क्या बोलोगे, इट बिगेन, ये शुरू हुआ, आफ्टर अ ब्राह्मण स्टार्टेड सेंडिंग फूड इन स्नेक बोट्स.
टू अ टेम्पल की, जब एक ब्राह्मण ने स्नेक बॉक्स में खाना मंदिरों में भेजना शुरू किया था, उसके बाद ये शुरू हुआ ड्यूरिंग ओनम। और किस टाइमिंग में भेजा करता था वो? ओनम के टाइमिंग में। ओनम क्या है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है साउथ इंडिया का, जैसे नॉर्थ इंडिया में बैसाखी मनाई जाती है जब फसल कट जाती है उसके बाद, उसी तरह से साउथ इंडिया में फसल कटने के बाद जो फेस्टिवल मनाया जाता है वो है आपका ओनम। और ये किसके ओनम में मनाया जाता है? ये लॉर्ड कृष्ण को सम्मान में उसने ब्राह्मण ने खाना भेजना स्टार्ट किया था। तो आपके ये क्वेश्चंस डन होता है, क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। अब बेटा देखो हम क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या है? हाउ डिड द नेहरू ट्रॉफी रेस स्टार्ट, कि जो नेहरू ट्रॉफी रेस है वो कैसे शुरू हुई थी, व्हाई इज इट कॉल्ड सो, और इसका नाम नेहरू ट्रॉफी रेस क्यों पड़ा था। तो बेटा मैंने आपको जब समझाया था तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो नेहरू ट्रॉफी रेस है वो कब शुरू हुई थी? एलएपी में हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उनके सम्मान में एलएपी एक जगह है वहाँ पे ये बोट रेस स्टार्ट की गई थी। और वहाँ पे जो नेहरू जी थे वो इन जो बोट रेस थे उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनका टीम वर्क देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे और उन्होंने विनर को एक ट्रॉफी अवार्ड की थी, एक ट्रॉफी दे दी थी। और तब से ही इस जो रेस का नाम है क्या पड़ा? नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। तो आप क्या बोलेंगे? द रेस स्टार्टेड इन एलएपी, कि जो रेस है वो कहां पे शुरू हुई थी? एलएपी में शुरू हुई थी, इन ऑनर ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, कि जो उस समय के देन प्राइम मिनिस्टर का मतलब कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू उनके सम्मान में ये रेस स्टार्ट हुई थी। नेहरू अवार्डेड द विनर्स अ ट्रॉफी देन, और उस समय नेहरू ने विनर्स को क्या दिया था? एक ट्रॉफी दी थी। तो बेटा इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ यू वांटेड टू सी अ स्नेक बोट रेस, कि ये अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको स्नेक बोट रेस देखना हो, इन विच मंथ्स विल यू गो टू केरल, आप किस महीने में केरल में जाओगे। तो बेटा मैंने क्या बताया था कि ये जो रेसेस हैं ये कब स्टार्ट होती हैं? अगस्त से सितंबर तक। तो आप क्या बोलोगे? टू सी अ स्नेक बोट रेस, कि अगर हमें एक स्नेक बोट रेस देखना है वी विल गो फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, हम अगस्त से लेके सितंबर तक जाएंगे वहां पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज अ चंदन वेलम, चंदन वेलम क्या है? अब बेटा वेलम का मतलब क्या होता है केरल में? बोट, केरल के जो लोग होते हैं वो नाव को क्या कहते हैं? वेलम कहते हैं। तो इसी तरह से इन्होंने पूछा कि जो चंदन वेलम है वो क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? द चंदन वेलम और द स्नेक बोट, यानी जो चंदन वेलम है वो स्नेक बोट का दूसरा नेम है, ठीक है। चाहे आप उसको चंदन वेलम बोलो चाहे आप उसको स्नेक बोट बोलो, ठीक है। अब ये कौन सी स्नेक बोट है? देखो स्नेक बोट तो है, लेकिन कौन सी स्नेक बोट है जो 100 फीट लॉन्ग है? कितनी लंबी है? 100 फीट लॉन्ग है, और उसमें कितने आदमी बैठ सकते हैं? 150 आदमी उसमें बैठ सकते हैं। जो इतनी लंबी जो बोट होती है उसको हम क्या कहते हैं? चंदन वेलम, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? द चंदन वेलम और द स्नेक बोट इज अबाउट 100 फीट लॉन्ग, की जो चंदन वेलम है या फिर जिसका दूसरा नाम स्नेक बोट भी है ये 100 फीट लंबी बोट है एंड कैन सीट क्लोज टू 150 मैन, और इसमें लगभग 150 आदमी बैठ सकते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। व्हाई डिड द ब्राह्मण यू बिलीव दैट द पुअर बॉय वाज लॉर्ड कृष्ण, अब जो ब्राह्मण थे उनको ये भरोसा क्यों हुआ कि जो गरीब लड़का था वो भगवान कृष्ण थे? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे फर्स्ट टाइम ब्राह्मण ने उनको खाना खिलाया, न्यू क्लोथ लिए, और ऐसा खाना खाने के बाद ही जस्ट वो लड़का डिसअपीयर हो गया था, गायब हो गया था। फिर ब्राह्मण ने उनको उस लड़के को खूब ढूंढा, और ढूंढने के बाद उनको जो टेंपल था अरनमुला टेंपल वहाँ पे वो उनको वो लड़का दिखाई दिया, और जब उन्होंने उस लड़के को वहाँ पे देखा तो वो लड़का वहाँ से फिर दोबारा डिसअपीयर हो गया था, गायब हो गया था। तो तब उसको भरोसा हुआ था। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? द ब्राह्मण थॉट का मतलब सोचा, थॉट से ब्राह्मण ने ऐसा सोचा बिकॉज क्योंकि द पुअर बॉय कैप्ट वैनिशिंग एंड रीअपीयरिंग, तो जो बेचारा गरीब लड़का था वो गायब हो जाता था और फिर दोबारा दिखने लग जाता था, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, एक बार फिर से बता रहे हो, द पुअर बॉय थॉट सो, जो गरीब लड़का, सॉरी द ब्राह्मण थॉट सो, ब्राह्मण ने ऐसा इसलिए सोचा बिकॉज क्योंकि The poor boy kept vanishing and reappearing. जो गरीब लड़का था वो गायब हो जाता था और वापस दिखाई देने लग जाता था। तो बेटा इस तरीके से आपका जो ये चैप्टर नंबर 3 है इसके क्वेश्चन आंसर्स डन होते हैं। अब आप इनको अच्छे से अपना रिवाइज कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।